नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर जारी किए गए ताजा अपडेट के बारे में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन एक बार फिर से करवाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव कोरोना की दूसरी लहर के कारण स्थगित हो गया था, जिसके बाद अब इस चुनाव का आयोजन अक्टूबर महीने तक करवाने की योजना राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाई है, जिसके बाद चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। 10 चरणों में आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव के परिणाम को चुनाव के अगले दिन ही जारी कर दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव के परिणाम की घोषणा वोटिंग के अगले दिन ही करने की तैयारी हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसको अगर देखें तो पहले चरण के मतदान और मतगणना के बाद उन ईवीएम को तीसरे चरण की वोटिंग के लिए संबंधित बूथ पर भेज दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे चरण की मतगणना के बाद ईवीएम को चौथे चरण की चुनावी प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा, यानी कि मतगणना के बाद ईवीएम का अगले चरण के चुनाव में उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत प्रथम चरण वाले ईवीएम का तीसरे, पांचवे, सातवें और नौवें चरण में उपयोग किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण वाले ईवीएम का चौथे, छठे, आठवें और दसवें चरण में उपयोग किया जाएगा। ज्ञात हो, कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही शुरू हुए पंचायत चुनाव के शोरगुल को अब तेजी से पूरा करने की योजना पर काम हो रहा है। जैसा कि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, वैसे में चुनाव के लिए ईवीएम को दूसरे राज्यों से मंगवाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत केरल से पटना, नालंदा में जम्मू कश्मीर और बांका में गुजरात से ईवीएम आएंगी। नालंदा में जम्मू कश्मीर, शेखपुरा में तमिलनाडु, शिवहर में त्रिपुरा और बांका में गुजरात से ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, मधुबनी और चंपारण में राजस्थान से ईवीएम आएंगे। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और असम से पूर्वांचल में मतदान के लिए ईवीएम मंगाया जा रहा है। नालंदा में जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का ईवीएम इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज के पदों के अनुसार ईवीएम की आवश्यकता का आकलन कर लिया है। अब दो पदों के लिए बैलेट बॉक्स का प्रबंध करना होगा। पंचायत चुनाव के लिए देश के विभिन्न राज्यों से करीब 2,08,024 बैलेट यूनिट और 1,88,376 कंट्रोल यूनिट मंगाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने देश भर में ईवीएम का डाटा एकत्र किया है। ज्ञात हो, इस बार चार पदों के लिए ईवीएम से पटना में वोट डाले जाएंगे। इतना ही नहीं, दो पदों के लिए बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होना होगा। इसके तहत हर एक बूथ पर चार पदों के लिए ईवीएम से मतदान के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ानी भी पड़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आम चुनाव में एक कंट्रोल यूनिट से काम चलता था, लेकिन पंचायत चुनाव में हर एक बूथ पर चार कंट्रोल और चार बैलेट यूनिट का उपयोग करना होगा। दो पदों के लिए बैलेट बॉक्स के लिए भी कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। पंचायत चुनाव को लेकर अब तक हुई तैयारियों को देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग M2 मॉडल ईवीएम मंगवाने की कवायद शुरू कर चुका है। भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सूची के आधार पर जिलाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों को लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी मांगी गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है तो आयोग दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की रणनीति में जुटा है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से फंड मुहैया कराए जा सकते हैं। ऐसे में अब इस फंड की निगरानी के लिए अब एक मजबूत तंत्र बनाया जा रहा है। अब गांव के विकास कार्यों की नियमित सोशल ऑडिट के साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों का ऑनलाइन ऑडिट होगा। इसके साथ ही ईवीएम को लेकर फंसे दाव पेच के कारण ही बिहार में समय पर पंचायत चुनाव का आयोजन नहीं हो पाया था, न ही सरकार ने साल 2016 में चुनकर आए पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार किया था, जिसके बाद ही पंचायत प्रतिनिधियों का काम फिलहाल नवगठित परामर्शी समिति को सौंपा गया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।